हेलो गाइड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर लेक्चर सेकंड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज राइज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस, द वीआरएमएस ऑफ द गैस। ऑप्शन गेट हैवियर, गेट डबल, रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड लास्ट ऑप्शन इज गेट्स अंडर रूट 927 अपॉन 27 टाइम्स। सॉल्यूशन में फ्रेंड्स, जो हमें फार्मूला मालूम है, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3 RT अपॉन m, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, एम इज मोलर मास एंड टी इज टेम्परेचर, टी टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। सिंस हम लोग सेम गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो मोलर मास होगा कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो हमारा गैस है वो 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया, तो उसके वी आर एम एस वैल्यू पे क्या चेंज होगा। तो हम फर्स्ट मानते हैं वी आर एम एस फर्स्ट। टेम्परेचर कितना है जब 27 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे, 273 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3, आर सेम रहने देंगे, टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग 300 लिखेंगे एंड एम ऑफ द गैस सेम। अगर हम सेकंड बात करते हैं, जब टेम्परेचर हमारा 927 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे, 273 प्लस 927 दैट इज इक्वल टू 1200 केल्विन। तो वी आर एम एस जो सेकंड होगा हमारा क्या होगा, अंडर रूट 3R इंटू टेम्परेचर कितना हो गया 1200 एट एम। सिंस हमको रेशियो निकालना है, तो हम वी आर एम एस फर्स्ट सेकेंड अपॉन वी आर एम एस फर्स्ट दैट इज इक्वल टू गाइड्स अंडर रूट 3R इंटू 1200 अपॉन एम। नेक्स्ट अंडर रूट 3R इंटू 300 अपॉन एम। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे आप देखेंगे, यदि आपको इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3R इंटू 1200 इंटू एम अपॉन अंडर रूट 3R इंटू 300 इंटू एम। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, R से R कैंसिल, जो हमारे पास वी आर एम एस सेकेंड अपॉन वी आर एम एस फर्स्ट जो आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाएंगे, तो वी आर एम एस ऑफ द गैस विल बिकम डबल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेट डबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द रेडियो एक्टिव डीके ऑन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम। तो कहने का सेंस है कि रेडियो एक्टिव डीके में जो इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आता है वो कहाँ से आता है। तो रेडियो एक्टिव डीके में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कहाँ आते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीएच वैल्यू ऑफ 10 HCl इज इक्वल टू 0, लेस देन -1, -1 एंड इक्वल टू 0। सॉल्यूशन गाइड्स, जो हमारा सॉल्यूशन होगा यहाँ पे HCl को आप वाटर में जब डिसोसिएट करेंगे तो ये कम्प्लीटली अपने आयन में H+ Cl- के फॉर्म में
टूट जाएगा, कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। सिंस हमको मोलरिटी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ 10 m, मोलरिटी जो दिया हुआ है 10 m दिया हुआ है। नाउ हमें पीएच का जो फार्मूला होता है वो मालूम है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। अगर हमारा HCl कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो जो HCl का कंसंट्रेशन है वही H प्लस और Cl का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है गिवन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो गया 10 m। तो हम लिख सकते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, H प्लस का कंसंट्रेशन 10 एंड लॉग 10 की वैल्यू होती है -1, वैल्यू ऑफ लॉग 10 दैट इज इक्वल टू 1 सिंस pH इज इक्वल टू -1। गाइड्स जो pH वैल्यू होती है -1 आ रही है, तो हमारा जो आंसर होगा, कभी भी आप pH वैल्यू जो देखते हैं हमारा pH मीटर होता है वो 0 टू 14 लाइज करता है, 0 टू 14 जहां पे हम मेरा 7 क्या होता है न्यूट्रल रिप्रेजेंट करता है एंड लेस देन 7 हमारा एचडी करेक्टर शो करता है, लेस देन 7 एचडी करेक्टर एंड ग्रेटर देन 7 दैट इज बेसिक करेक्टर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द, ऑप्शन इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अगर हम लोग राउल्ट्स लॉ की बात करें हम लोग पढ़े हैं द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू पी नॉट या चेंज इन पार्शियल प्रेशर अपॉन प्योर पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या है कि अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन -T ΔS = -T ΔS = +T ΔS must be negative and ΔS must be negative। गाइड्स अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आप गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में हमारा जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ΔG = ΔH - T ΔS। और गाइड्स फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप लोग क्या जानते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के टर्म में ΔG की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो अगर एबव इक्वेशन में हम ये ΔG = -T रखेंगे तो ΔG H - T ΔS दैट इज इक्वल टू निगेटिव। तो हमारा फर्स्ट आंसर विल बी राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 फॉर्म डाइमर बिकॉज एल्युमिनियम इज, ऑप्शन जो है कैन नॉट फॉर्म ए ट्राइमर, बिलोंग टू थर्ड ग्रुप एंड सी हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड डी कैन हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। गाइड्स जो एल्युमिनियम होता है जैसा आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 13, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। और जब आप इसका रिएक्शन, जब ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी हम इसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं या ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल की बात करें, 1, 2, ये दिस इज 3s एंड 3p, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग यही है। जब हम एक्साइटेड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से मूव कर जाता है p ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल से मूव कर जाता है p ऑर्बिटल में, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। और जब ये AlCl3 से रिएक्शन करता है, Cl के साथ बॉन्डिंग करता है, ये देखिए 3-chlorine एटम के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली, तो इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल बचा हुआ है। अब आप देखते हैं कि क्लोरीन इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, कहने का मतलब 3s 3p और इसके पास 3d कोऑर्डिनेशन, इसकी कोवेलेंसी भी हाई है, तो ये क्या काम करता है, ये क्लोरीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लोरीन एटम साथ दूसरे क्लोरीन के एटम साथ, ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन ने एल्युमिनियम ने क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग की, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या काम करेगा, तुरंत कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, एल्युमिनियम के अलग एलिमेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। और यहाँ पे देखिए इसका जो एक एलिमेंट होगा क्लोरीन का, ये देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, और इसी वजह से जो एल्युमिनियम होता है AlCl3 ये डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाए, कैन हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने की वजह से ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एटम के साथ तुरंत कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना लेता है, कौन सी बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, थैंक कोऑर्डिनेट एंड मेक डाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन ए कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इंक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, रिड्यूसेस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, एंड लास्ट ऑप्शन डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। गाइड्स, हम लोग बात करते हैं अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट जब पार्टिसिपेट करता है तो वो रेट कॉन्स्टेंट पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट शो नहीं करता, रेट कॉन्स्टेंट पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं शो करता। सेकेंड, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया, इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। गाइड्स, कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता नहीं, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है, सेकेंड ऑप्शन इज गलत। थर्ड ऑप्शन हम बात करें, रिड्यूस द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। गाइड्स, कैटलिस्ट एंट्रोपी पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट शो नहीं करता, कहने का सेंस है कि कैटलिस्ट एंट्रोपी को डिस्टर्ब नहीं करता किसी भी केमिकल रिएक्शन का। एंड जो लास्ट ऑप्शन, डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, दिस इज राइट आंसर। कहने का मतलब जो कैटलिस्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को इफेक्ट नहीं करता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज